ये अब तक की सबसे भयानक सजा है। ये पहले एक आदमी के हाथ पर तेल जैसा कुछ लगाते हैं, फिर ट्रेन की दीवार में बने एक छोटे से होल में से इस आदमी का हाथ बाहर निकालते हैं। आदमी दर्द से चिल्लाता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि बाहर की दुनिया का टेम्परेचर -105 डिग्री होता है, जिससे पल भर में आदमी का हाथ बर्फ की तरह जम गया। जल्द ही ये इस आदमी का हाथ वापस अंदर खींचते हैं और फिर एक बड़े हथौड़े से इस आदमी के हाथ पर जोर से मारते हैं। इस कहानी में हमारी दुनिया आइस एज की चपेट में है, जहां इंसान एक नॉनस्टॉप चलती हुई एक ट्रेन में रहते हैं। ये ट्रेन लगातार 17 साल से चल रही है, जिसमें सिर्फ अमीर लोगों की ही चलती है। जहां ट्रेन के स्टार्टिंग कोचेस में अमीरों का कब्जा है, ये यहां एक शानदार जीवन का आनंद लेते हैं। वहीं ट्रेन के पीछे के कोचेस गरीब लोगों से भरे हुए हैं, जिन्हें अमीर लोग गुलामों की तरह रखते हैं। यहां गरीब लोग सिर्फ उच्च वर्ग द्वारा भेजा गया जंक फूड खा सकते हैं, जिसे ये प्रोटीन बार्स कहते हैं। लेकिन एक दिन एक आदमी चोरी छुपे इन प्रोटीन बार्स को बनते हुए देख लेता है, जहां ये देखता है कि इन प्रोटीन बार्स को अनगिनत कॉकरोच को मारकर बनाया जा रहा है, जिसे गरीब लोगों को पिछले 17 साल से खिलाया जा रहा है।